सलाम नमस्ते हेलो केमचो स्वागत है आप सभी का जनवरी मंथली करंट अफेयर के शानदार जानदार क्लास में मैं पीयूष सर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं तो बसंत की आईडी खुल गई है क्यों बसंत तुम्हारी आईडी खुल गई क्या बात है बहुत बड़ी खुशखबरी है तो चलिए दोस्तों जनवरी मंथली की क्लास में आप सभी का स्वागत है मैंने दोस्तों सिक्स डे का क्रैश कोर्स भी लॉन्च किया लेकिन इसकी इंफॉर्मेशन में सैटरडे को आप लोगों को देना भूल गया था सैटरडे से ये क्लास हम लोग दोस्तों प्लान करी थी और इसकी शुरुआत 18 तारीख को कर दी सिक्स डे क्रैश कोर्स की शुरुआत दोस्तों गुरु मंत्र बैच में हो चुकी है और जिसकी पी भी आप लोगों को तुरंत मिल रही है अपडेट हो रही है ठीक है तो दोस्तों जो है ऐप पर आपको इंटरव्यू बैच भी है इंटरव्यू भी आपका परसों से स्टार्ट है अब इंटरव्यू uh, की क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं और अब मॉक शुरू हो चुका है बच्चों के अपॉइंटमेंट लेकर के मॉक किए जा रहे हैं जिनके पहले हैं उनके पहले मॉक होंगे दोस्तों और जिनके बाद में उनके बाद में होंगे गुरु मंत्र बैच में पांच बजे और सात बजे दोनों में क्रैश कोर्स ही स्टार्ट कर दिया है मैंने पहले पाँच बजे बैंकिंग अवेयरनेस हो रही थी और सात बजे हो रही थी हमारी आरबी सीरीज अब वो कंप्लीट करके हम लोग क्रैश कोर्स पे आ चुके हैं छह दिन क्रैश कोर्स पांच बजे भी वही चल रहा है सात बजे भी वही चल रहा है दो बैंकिंग अवेयरनेस के टॉपिक बचे हैं जो मैं सुबह पढ़ा दूंगा किसी दिन सुबह करके कंप्लीट करा दूंगा एक तो इन्फ्लेशन का आधा पार्ट है वो कल सुबह करा दूंगा क्योंकि इंटरव्यू की क्लास खत्म हो गई तो कल सुबह वही करा दूंगा परसों जो है नेशनल इनकम करके बैंकिंग अवेयरनेस कंप्लीट कर दिया जाएगा ठीक है तो ये दोस्तों एस बी आई क्लर्क तक ये बैच चल रहा है एस बी आई क्लर्क ट्वेंटी थ्री को इसका लास्ट डे हम लोग ने रखा है और अगर हम लोग को समय मिला तो दो जो है चौबीस को भी करेंगे लेकिन तेईस आप लोग लास्ट डे मान के चलिए और इतने में हम लोग खेल खेल जाएंगे क्योंकि बहुत बढ़िया ये बैच बन गया है जिसने एस बी आई पी ओ में थर्टी अटेम्प्ट करा दिए आपको पढ़ना कौन सा है पहले जिसमें एस बी आई क्लर्क लिखा है वो पढ़ना है पहले और उसके बाद एस बी आई पी ओ वाला अगर आपके पास टाइम है और सामर्थ्य है तो एस बी आई पी ओ वाला पढ़ लीजिए जो एस बी आई पी ओ में तीस अटेम्प्ट करा दिया वो वाले तो आपको भी अटेम्प्ट देंगे ही तो ये कर लीजिए ठीक है तो ये गुरु मंत्र बैच ब्रह्मास्त्र एकदम सक्सेस का ब्रह्मास्त्र हेंस प्रूफ बैच है हेंस प्रूवड बैच भाई कलेजा निकाल दिया इसमें मैंने बैंकिंग अवेयरनेस आपको अगले चार पाँच साल तक काम आएगी इसकी अगले चार पाँच साल तक क्योंकि इसमें वैलिडिटी मैंने लाइफ टाइम रखी है यानी भले ही तेईस मार्च को आखिरी क्लास होगी तेईस फरवरी को मतलब लेकिन वैलिडिटी इसकी हमेशा रहेगी हमेशा देखो जब भी एग्जाम देने जाओ इंश्योरेंस के एग्जाम देने जाओ इंश्योरेंस अवेयरनेस भी कराया है इसमें मैंने बोलो मजा आ जाएगा और ये क्लास तो आपको कभी मिस नहीं करनी है जो बैंकिंग भाई रोजगार पे मेरी तीन क्लास हो रही है सुबह साढ़े छह बजेयर ये एग्जाम हो 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 ना हो, आपको ही करना करना ही है तो आपकी हैबिट हो जानी चाहिए ठीक है और हैबिट हो गई तो फिर कोई एग्जाम छूटेगा नहीं हर एग्जाम में आपकी सफलता निश्चित है एग्जाम हो ना हो आपको ये रोज पढ़ना है क्योंकि फिर ये आप नहीं पढ़ पाओगे ना मंथली में ना वीकली में क्योंकि सारे करंट अफेयर थोड़ी मंथली वीकली में आएंगे ना सिक्स मंथ में आएंगे तो दोस्तों ये तो आपका रॉ मटेरियल है इसको कभी मिस मत करिए उसके बाद बहुत सारे स्पेशल टॉपिक पढ़ाते हैं बैंकिंग फाउंडेशन में मैं जो सर्टिफिकेट और डिपॉजिट और कमर्शियल पेपर को इशू करता को मैंने जो पढ़ाया है वो एकदम अपडेटेड है इसके बाद सवाल उठता है कि सर फरवरी कहाँ से पढ़ें आप बेस्ट टू हंड्रेड में दिसंबर करा रहे हो यहाँ जनवरी करा रहे हो फरवरी आपने कहाँ कराया है तो सैटरडे और संडे को दो मैराथन मैंने ली थी सैटरडे और संडे को सुबह नौ बजे मैंने दो मैराथन ली थी बैंकिंग बाई रोजगार भी अंकित पे पूरा फरवरी वहां तक उड़ा दिया सत्रह तारीख तक का पूरा फरवरी यहां पे उड़ा दिया है मैंने दो दिन में मैंने पूरा फरवरी उड़ा दिया है तो फरवरी कहां से करें यहां से करें ये दो क्लासेस हैं इससे करेंगे आप फरवरी ठीक है और रोज की डेली करेंट अफेयर करते रहे ठीक है लास्ट क्लास में जो हम लोग ने पढ़ा था वो ये पढ़ा था लास्ट क्लास में यही छूटा था हम लोग का कि कौन सा देश अपनी राजधानी में पहला शराब स्टोर खोलेगा जो विशेष रूप से गैर मुस्लिम राजनयिकों को सेवा प्रदान करेगा ठीक है बात समझ में आ रही है गुड इवनिंग सभी लोगों को गुड इवनिंग गुड इवनिंग शिव कुमार ओके तो दोस्तों शराब स्टोर खोला जा रहा है मुस्लिम देश में शरीयत लॉ के हिसाब से ये हराम होता है लेकिन जो गैर मुस्लिम है वो तो पी सकते हैं ना तो उनकी मान्यता में तो खराब नहीं अब राजनयिक लोग जो वहां पे इसीलिए जाना नहीं चाहते हैं कि उनको पीने को नहीं मिलेगा ऐसे देश में नहीं जाना चाहते वो वो कहते हैं हमको होनो लुलु भेज दो लेकिन सऊदी अरब मत भेजो तो यहाँ पे दोस्तों खोल दिया गया उनके लिए बहुत सारे लिबरल हो रहे हैं नहीं नहीं तुम्हारी एक आईडी डी हमने अनब्लॉक करवा दी है अभी अभी चेक कर लो तुम्हारी चार आईडी में से बसंत कौन सी आईडी अनब्लॉक हुई है एक बार जो है कि बैंकिंग भाई रोजगार भी तंकित पे जा करके देख लो कमेंट करके चारों आईडी में से किस पर तुम कमेंट कर पा रहे हो शिवांगी करी सर आपसे बात करनी है कब कर सकते हैं सुबह वाली क्लास खत्म होने के बाद कर लो मेरी कोई भी क्लास खत्म होने के जस्ट बाद आप कॉल कर सकते हैं कोई भी क्लास खत्म होने के जस्ट बाद क्योंकि तो उस समय मैं पांच दस मिनट रेस्ट करता हूं तो उस समय आप बात कर सकते हैं कोई भी मेरी क्लास खत्म हो रही है तुरंत कॉल कर लो तुरंत का मतलब एकदम तुरंत नहीं पांच मिनट रेस्ट कर लेने देना हमको ठीक है पांच मिनट तो मुझसे बोला भी नहीं जाता है ठीक है दोस्तों यहां पे क्राउन प्रिंस सलमान की बात हो रही मोहम्मद बिन सलमान अभी जी ट्वेंटी में चीफ गेस्ट बने थे जब भारत आए थे राष्ट्रपति भवन भी गए थे बड़े लंबे हैं भाई साहब सात फुट के होंगे कम से कम राष्ट्रपति भवन गए थे सब बच्चे लग रहे थे जिन लोगों की भी आईडी ब्लॉक हुई है वो अपनी ई मेल और यूजर आई यूजर आई मुझे भेज दो मैं उन सबकी आई डी अनब्लॉक करवा दूंगा ठीक है दोस्तों रक्षा मंत्रालय द्वारा कर्तव्य पथ नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड को देखने के लिए विशेष अतिथि के रूप में किसे अप आमंत्रित किया गया दोस्तों रिपब्लिक डे अच्छा रक्षा मंत्रालय क्यों रक्षा मंत्रालय ही पूरा प्रोग्राम करता है देखो एक स्टैटिक के ये मिल रहा है दूसरा स्टैटिक के कर्तव्य पथ जिसका नाम कभी किंग्स वे था जहां जॉर्ज फिफ्थ आए थे 1911 में 1911 में कौन आए थे जॉर्ज फिफ्थ जॉर्ज फिफ्थ की मूर्ति की जगह सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति इंडिया गेट पे लगी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति अरुण योगी राज ने बनाई जिन्होंने राम जी की प्रतिमा बनाई अयोध्या में कर्तव्य पथ दोस्तों इसका नाम हुआ किंग्स वे का राजपथ नाम पहले बना किंग्स वे से राजपथ हुआ और राजपथ से पथ हो गया क्वींस वे जनपथ बना किंग्स वे राजपथ बना जिस रास्ते से रानी आई थी वो जनपद किंग क्वींस वे और जो जिस रास्ते से राजा आए थे वो राजपथ यानी किंग्स वे अब इसका नाम कर्तव्य पथ रखा गया ये पूरा जो पार्क है जो आपको इंडिया गेट के पास जहां पे सारे लोग बैठे हुए मिलते हैं गणतंत्र दिवस की परेड में वो सेंट्रल विस्टा पार्क है इसलिए इस प्रोजेक्ट को सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट भी कहते हैं सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में ये जो नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक जहां पुराने मंत्रालय है सारे प्रधानमंत्री ऑफिस भी है वित्त मंत्रालय भी है रक्षा मंत्रालय भी है संसद भवन है रायसीना हिल है रायसीना हिल पर राष्ट्रपति भवन है तो पुरानी संसद भवन की जगह नई संसद भवन बन गया और ये जो मंत्रालय विभाग है उनकी जगह यहाँ पे दस बिल्डिंग बन रही है पांच तरफ पांच तरफ पूरा इंडिया गेट तक पूरा बिल्डिंग बन जाएगी क्योंकि वो सौ साल पुरानी हो गई है तो वो अब कभी भी गिर सकती है जर्जर जर हो सकती है पुराने मॉडल पे अब नए मॉडल पे सब बन रहा है अब नए मॉडल पे सब बन रहा है ठीक है तो ये सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है और सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में जो नई वाली पार्लियामेंट है वो अट्ठाईस मई को वीर सावरकर के बर्थडे पर शुरू की गई थी और आ, उसे जो है टाटा प्रोजेक्ट ने बनाया था जैसे मंदिर को तो एल ने बनाया टाटा प्रोजेक्ट जो वाली पार्लियामेंट के जो आर्किटेक्ट थे वो बीमल पटेल थे HCP डिजाइन अहमदाबाद के द्वारा ये डिजाइन किया गया था ठीक है खैर अब आते हैं कि चीफ गेस्ट अगर पूछता तो हम फ्रांस के राष्ट्रपति होलान इमेनुअल मैक्रोन को बोल देते लेकिन यहां विशेष अतिथि के रूप में पीएम विश्वकर्मा योजना के जो लाभार्थी हैं जिनको एक लाख का लोन मिला होगा फिर दो लाख का भी मिलेगा टोटल तीन लाख का लोन मिलेगा जिनको पंद्रह हजार रुपए का टूल किट मिलेगा पांच सौ रुपए का स्टाइफेन मिलेगा जो सत्रह सितंबर को शुरू हुई है विश्वकर्मा योजना जिसके लिए पी योजना को इकतीस दिसंबर दो हजार पच्चीस तक के लिए बढ़ा दिया गया है 18 समुदायों के कारीगर समुदायों को यहां पे बुलाया गया था जिसका पुराना नाम पीएम विकास था तेरह हजार करोड़ की ये योजना है तो दोस्तों यहाँ पे ये आपको दिख रहा है कि ये ढोरडो विलेज का ये जो है ये जो गुजरात की झांकी है इसमें लिखा है यूएनडब्ल्यूटीओ बेस्ट टूरिस्ट विलेज ढोरडो विलेज तो ढोरडो विलेज जो है का पूरा यहाँ पे दिखाया गया है कलाकृति जनता ने इसको जो है बेस्ट टूरिस्ट विलेज चुना अरे बेस्ट झांकी चुना है जनता ने इसको बेस्ट झांकी चुना है दोस्तों लेकिन जजों के द्वारा जो है ये बेस्ट झांकी नहीं चुनी गई ये झांकी जो है सेकंड नंबर पे रही फर्स्ट नंबर पे उड़ीसा की झांकी थी उड़ीसा की झांकी किस चीज को रिप्रेजेंट करती है दोस्तों ये बताइए आप लोग उड़ीसा की झांकी किस चीज को रिप्रेजेंट करती है ये क्वेश्चन अभी दो दिन पहले एग्जाम में मतलब तेरह तारीख को एग्जाम में पूछा था पिछले हफ्ते दोस्तों महिलाओं का बोलबाला रहा यहां पे बहुत सारे महिलाओं के मार्चिंग कंटिजेंट दिखे ठीक है दोस्तों यहां पे मैं कि फ्रांस के भी आई थी फ्रांस की भी मार्चिंग परेड वाली पूरी टीम आई थी जैसे हम बेस्टिल डे परेड में गए थे मोदी जी चीफ गेस्ट थे चौदह जुलाई को हमारे यहां से इंडियन जो है पूरी आर्मी गई थी ठीक है बात समझ में आ रही है ओके जिसकी आईडी ब्लॉक है वो मुझे व्हाट्सएप कर दो ठीक है अपनी आईडी के साथ जजों के द्वारा उड़ीसा की आईडी को बेस्ट जो झांकी घोषित किया गया अब आप लोग को बताना है कि जजों के द्वारा बेस्ट मार्चिंग कंटिजेंट किसको घोषित किया गया अब बेस्ट अर्धसैनिक बलों का मार्चिंग कंटिजेंट किसको घोषित किया गया अब बेस्ट मंत्रालय और विभाग का किस मंत्रालय और विभाग की झांकी को बेस्ट झांकी घोषित की गई उड़ीसा की झांकी किस थीम पर थी ये भी बताइए दो लाख पचासी हजार चार सौ बीस लोगों को दोस्तों जो है यहाँ पे रजिस्टर्ड किया जा चुका है दो सौ छप्पन लाभार्थी दोस्तों अपने जीवन साथी के साथ यहाँ पे आए थे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट से चार केंद्र शासित प्रदेश और बीस राज्यों से आए थे एक सौ आठ महिला कारीगर आए थे एक सौ अड़तालीस पुलिस पुरुष कारीगर आए थे रिपब्लिक डे की दोस्तों ये सेवेंटी फिफ्थ एनिवर्सरी थी सेवेंटी फिफ्थ एनिवर्सरी थी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर को जो है बेस्ट अवार्ड मिला है वेरी गुड ओके ओके कौन सा राज्य राज्य में विश्व की पहली ब्लैक टाइगर सफारी स्थापित करेगा विच स्टेट विल सेटअप वर्ल्ड फर्स्ट ब्लैक टाइगर सफारी इन द स्टेट तो दोस्तों ये जो है उड़ीसा करेगा ओके ब्लैक टाइगर सफारी उड़ीसा जो है करेगा उड़ीसा की झाकी बेस्ट झाकी भी चुनी गई जो शायद वीमेन एम्पावरमेंट पर थी उड़ीसा के नवीन पटनायक जी ने मयूरभंज में सिमलीपाल टाइगर रिजर्व के पास दुनिया की पहली टाइगर सफारी की स्थापना की दोस्तों यहां पर सिमलीपाल भी है यहाँ पे भीतर कनिका भी है ठीक है यहाँ पे चिल्का झील भी है उड़ीसा में चिलका झील सबसे बड़ी खारे पानी की झील है बर्ड सेंचुरी भी है वो वो थर्ड नंबर की सबसे बड़ी रामसर साइट भी है चिल्का झील पहले नंबर पे सुंदरबन है दूसरे पे कर्नाट केरल का वेम्बनाड है सबसे छोटी रामसर साइट रेणुका है रेणुका कहां पे है मेलेनिस्टिक बाघों की दुर्लभ झलक प्रदान करना आमतौर पर गाले भाग के रूप में इन्हें जाना जाता है उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर है नवीन पटनायक चीफ मिनिस्टर है रघुवर दास गवर्नर है भारत का दूसरा वेरी लो फ्रीक्वेंसी कम्युनिकेशन सेटेलाइट रडार स्टेशन किस राज्य में स्थापित किया जाएगा ये तेलंगाना में किया जाएगा इंडियन नेवी की बहुत दिन से इच्छा है दोस्तों इसको लॉन्च स्थापित करने अभी की अभी कांग्रेस की यहां सरकार बनी है तो रेवंत रेड्डी जी, जी जो है यहां पे आप देख रहे हैं आम विवेशभूषा में है शर्ट पैंट में है नेता अक्सर शर्ट पैंट में कम देखा जाता है मंत्री बनने के बाद वो कुर्ते पैजामे में ही देखा जाता है ठीक है बात समझ में आ रही है रेणुका की वजह से ही मैं जो है बचा मैं थक गया था एकदम बहुत ज्यादा बोला नहीं जा रहा था तथा रेणुका ने बोला कि बफरिंग हो रहा है हमके बस बफरिंग बहुत हो रहा है अब हम जा रहे हैं फिर मैं आधी घंटा रेस्ट किया हूं तब तुम्हारी इस क्लास में आया हूं बहुत मेहनत पड़ जा रहा है लेकिन अब मैं यही सोच के मेहनत करता हूं कि यार कुछ भी मेरी तरफ से कसर न रह जाए तुम लोग के एग्जाम में चार पांच दिन ही तो मेहनत करनी है और मुझे देख के तुम लोग भी मेहनत करोगे इंस्पायर्ड होके और उसी से तुम लोग को एक्स्ट्रा नंबर मिल जाएगा पच्चीस तक ही तो मेहनत करनी है फिर तो एक साल आराम ही करना है ठीक है तो विकराबाद जिले के पुदूर गांव के दम गुडेम रिजर्व फॉरेस्ट के तहत दोस्तों ये जो है हेक्टेयर भूमि नौसेना को हस्तांतरित कर दी गई है पिछली सरकार जो टीआरएस बीआरएस की थी वो दोस्तों नहीं दे रही थी लेकिन कांग्रेस आते ही दे दी कांग्रेस देशभक्त है दोस्तों ये देश में दूसरा वेरी लो फ्रिक्वेंसी स्टेशन है पहला वाला कहाँ पे दोस्तों है तमिलनाडु के तिरुनेवेलवली क्या नाम है तिरुनेवलि तिरुनेलवेली तिरुनेलवेली जिले में विजय नारायणम में आई एन एस कट्टा बोमम रडार स्टेशन है आई एन एस कट्टा बोमम रडार अच्छा ये आई एन एस नाम जरूर देते हैं अब पूछ लेगा आई एन एस कट्टा बम क्या है तो भैया ये शिप नहीं है ये रडार स्टेशन है अभी पूछा था ना आई एन एस द्रोणाचार्य क्या है आई एन एस शिवाजी क्या है ऐसा पूछा था अभी आपके एग्जाम में ठीक है बात समझ में आ रही है ओके दोस्तों विशाखापट्टनम में ईस्टर्न नेवल कमांड है ये भी याद रखिएगा ओके विशाखापट्टनम में ही अभी मिलन एक्सरसाइज हुआ जो बहुत देशों का नेवी एक्सरसाइज होता है मिलान हर दो साल में एक बार होता है ठीक है आई एन एस द्रोणाचार्य गनरी स्कूल है और आई एन एस शिवाजी शायद वो है पंडुब्बी ट्रेनिंग स्कूल है सुल्तान सिंह राठौड़ कह रहे सर आई सर्वड हेयर सर वाह क्या बात है बहुत अच्छा कहाँ पे इसमें रडार स्टेशन वाले में आई एन एस कट्टा बोमन में तमिलनाडु में वाह क्या बात है सुल्तान जी क्या बात है सैल्यूट है आपको भारतीय संविधान के वास्तुकार और विकासकर्ता के रूप में जाने जाने वाले डॉक्टर बी आर अंबेडकर की विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण राज्य सरकार द्वारा आंध्र प्रदेश के किस शहर में किया गया और यह बताइए कि लक्षित बरफुकन जी की 125 फीट ऊंची मूर्ति का अनावरण कहाँ किया गया यह दोस्तों विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है डॉक्टर अंबेडकर साहब की जिनके बर्थडे पर हम लोग वर्ल्ड नॉलेज डे मनाते हैं यूनाइटेड नेशन मनाता है वर्ल्ड नॉलेज डे सागर कह रहे सर यू आई आई में बत्तीस किया देखिए यू मैंने नहीं पढ़ाया अन्ना मैं न्यू इंडिया इंश्योरेंस पढ़ा रहा हूं उसका भी दो तारीख को पेपर है ना खैर उसमें तो अभी पहले प्री होगा लेकिन मैं नहीं पढ़ाया लेकिन देखो अलग से नाम लेके नहीं पढ़ाया लेकिन हमारे बच्चे इतने अटेम्प्ट करके आए कि नहीं आए तो इसीलिए कहता हूं अगर आप करेंट अफेयर और मेरे शो को फॉलो करेंगे तो आप जितने भी एग्जाम देंगे भले मेरे एग्जाम पे एस क्लर्क लिखा है मेरे वीडियो पे आप जितने भी एग्जाम देंगे सब में फायदा होगा दोस्तों भी 75 फीट की अंबेडकर साहब की मूर्ति महाराष्ट्र के लातूर में लगी थी एक 125 फीट की ऊंची मूर्ति दोस्तों जो है तेलंगाना में लगी थी और एक जो है यहां पर हैदराबाद में और एक ये 125 फीट की मूर्ति सोशल स्टेच्यू ऑफ जस्टिस के नाम से लग गई है यहां पर अगर जो है देखा जाए तो अभी भारत के बाहर जो लगी है सबसे ऊंची मूर्ति वो अमेरिका के मैरीलैंड में लगी अंबेडकर साहब की ये विजयवाड़ा में लगी है ये वाली ठीक है ये जमीन से 206 फीट की ऊंचाई पर है ठीक है जमीन से इसकी ऊंचाई अगर ली जाएगी तो 206 फीट है ओके क्लियर है देखिए प्रियांशु कह रहे सर मैंने चालीस सेट अट किए अटेम्प्ट सही बोल रही हो कि झूठ कितने क्वेश्चन तक तुमने चालीस कर दिए दोस्तों ये बात याद रखिएगा ओके स्टेच्यू ऑफ जस्टिस जो मूर्ति बनाने की जो लागत है वो 404 करोड़ की है 400 टन स्टील का भी यूज किया गया तो 125 फीट की जो मूर्ति है पेडेस्टल जो है वो इक्यासी फीट का है और दोनों की ऊंचाई मिला के 206 फीट जा रही है आये? इक्यासी फीट की है ये देखो अलग ही बता रही है इक्यासी फीट की है अरे पेडेस्टल था इक्यासी फीट का है ऐसे चीटिंग करोगे तो हम नहीं खेलेंगे अब्दुल नजीर जी दोस्तों गवर्नर हैं इनको इनाम मिला था ये राम मंदिर का फैसला देने वाले इकलौते मुस्लिम जज थे पांच जज थे रंजन गोगोई मेन जज थे पांच जजों की बेंच थी उसमें एक मुस्लिम जज थे और सर्वसम्मति से राम मंदिर हिंदू पक्ष को सौंपा गया था अयोध्या का उसमें एक मुस्लिम जज ने भी हिंदुओं के पक्ष में ही फैसला दिया था वो अब्दुल नजीर थे जिनको इनाम स्वरूप मोदी जी ने आंध्र प्रदेश का राज्यपाल बना के उनको गिफ्ट दिया एक अशोक कुमार भी थे उनको एन का हेड बनाया एक रंजन गोगोई थे उनको राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने मनोनीत करके राज्यसभा भेजा था और अभी वो आसाम की राजनीति कर रहे हैं आसाम के में उनके पिताजी मुख्यमंत्री रह चुके हैं अब वो भी बनना चाहते हैं उनकी भी यह महत्वाकांक्षा है रंजन गोगोई जी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे अपने रिटायरमेंट के दिन फैसला दिया था उन्होंने इस बार का असम वैभव सम्मान भी उनको दिया गया है जो असम में जैसे पद्म भूषण पद्म भूषण पद्मश्री होता है वैसे वहां भी तीन अवार्ड दिए जा रहे हैं पिछले साल से पिछले साल तरन कौन सा था एक तपन से किया जो कैंसर विज्ञानी थे उनको दिया गया था उसके पिछले साल रतन टाटा को दिया गया था दो तीन साल हो गया तीन साल हो गया रतन टाटा फिर तपन से किया और इस बार जो है रंजन गोगोई जी को दिया गया है ठीक है बात समझ में आ रही है ओके कैबिनेट ने पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में दो कोयल गैसिफिकेशन संयंत्र स्थापित करने को मंजूरी दी है ये प्लांट किस कंपनी द्वारा लगाए जाएंगे दोस्तों अभी आपके एग्जाम में आया था कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली इनिशिएटिव में क्या क्या इनिशिएटिव आते हैं तो अभी आपने देखा बजट में भी इन्वायरमेंट फ्रेंडली के लिए बहुत सारी बातें लिखी गई थी जिसमें कोल गैसिफिकेशन की भी बात कही गई थी योजनाएं पूछ लेता है जैसे दोस्तों मिष्टी योजना इन्वायरमेंट फ्रेंडली है इन्वायरमेंट को अच्छा करने के लिए है मैंग्रोव जंगल बढ़ाने के लिए जैसे नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन ये भी इन्वायरमेंट को ही अच्छा करने के लिए है ऐसे कोल गैसिफिकेशन प्लांट जो है ये भी दोस्तों इन्वायरमेंट के ही क्षेत्र में बढ़िया करने के लिए है। तो दोस्तों यहां पर जो है कोल इंडिया के द्वारा इसे किया गया दोस्तों कोल इंडिया और कोल मंत्रालय जेम पोर्टल पर सबसे ज्यादा खरीदारी करने का दोस्तों इस बार का इनका रहा है जेम पोर्टल जेम पोर्टल दोस्तों दुनिया में तीसरे नंबर पे है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पोर्टल पहले नंबर पे दोस्तों जो है कोनेप है जो कि साउथ कोरिया का है कोनेप और दूसरे नंबर पे जी बीज बिज है दोस्तों जो कि सिंगापुर का है शायद ये क्वेश्चन पूछा गया था आपके एग्जाम में कि जीई बिज कहां का है दोस्तों पैंसठ हजार करोड़ की जेम पोर्टल पर खरीदारी कोल मंत्रालय ने की है एक लाख करोड़ से ऊपर का जो ऑर्डर दिया है रेलवे मंत्रालय ने लेकिन रेलवे मंत्रालय फर्स्ट नंबर पे क्यों नहीं है क्योंकि उसने जो पेमेंट किया वो पैंतालीस हजार करोड़ का ही किया है इसलिए पैंसठ हजार वाला नंबर वन पे है दो तक सौ मीट्रिक टन का टारगेट है कोयले का कोयला दिवस हम लोग चार मई को मनाते हैं तीन मई को प्रेस फ्रीडम डे मनाते जिसमें तीन ईरान की पहला पत्रकारों को प्रेस फ्रीडम अवार्ड मिला था प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में हमारी कौन सी स्थान है दोस्तों ये आप बताइएगा आप लोग कल से कोने बीज में बहुत परेशान थे ना आज मैंने आप लोग का ये दुख दूर कर दिया जितना तुम लोग परेशान रहते हो ना उतना मैं भी परेशान रहता हूं तुम लोग के लिए दोस्तों कोल्ड टू सी एन एस एन जी देखो एल एन जी सुना तुमने सी एन जी सुना तुमने अब एस एन जी भी सुन लो एस एन जी का फुल फॉर्म आ जाएगा तो क्या करोगे सिंथेटिक नेचुरल गैस दोस्तों अभी तुमने सुना कि एल्कोहल से जेट इंध जेट ईंधन बनाया जा रहा है वो कहां पे अभी हरदीप सिंह पुरी ने दिया था हरी झंडी बताइए देखो महारत्न कंपनी का टर्न ओवर पच्चीस हजार नेटवर्क हजार प्रॉफिट पांच हजार बात है बहुत बढ़िया कोल इंडिया के हेड शायद वो है क्या पीएम प्रसाद कोई नए तो नहीं बने देखिए अभी जो है कोल इंडिया और भेल मिलकर के कोयले से अमोनियम नाइट्रेट भी बना रहे हैं और यहाँ कोल इंडिया गैस अथॉरिटी के साथ मिलके सीएनजी बना रहा है गेल के साथ मिलकर बना रहा भैया गेल जो उसको कि अवार्ड मिला फ्लोटिंग सीएनजी स्टेशन वाराणसी में स्थापित करने के लिए कौन सा बैंक ट्वेंटी मिलियन क्रेडिट कार्ड की उपलब्धि हासिल करने वाला देश का पहला बैंक बन गया है तो दोस्तों जो है अगर देखा जाए तो यह जो है एच बैंक है जो ट्वेंटी मिलियन का मतलब होता है दो करोड़ दो करोड़ क्रेडिट कार्ड इश्यू कर दिया भाई साहब इसने मजाक ही मजाक में और अगर देखा जाए दूसरे नंबर पे एस कार्ड है तीसरे पे आईसीसी बैंक है और चौथे पे एक्सिस बैंक है अगर डेबिट कार्ड इश्योर में एसबीआई नंबर वन पे है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ठीक है 2001 में इसने क्रेडिट कार्ड बिजनेस में कदम रखा 2017 में एक करोड़ का आंकड़ा पार किया और अगले एक करोड़ का आंकड़ा पार करने में छह साल से कुछ अधिक समय लग गया नवंबर में यह आंकड़ा 19.51 मिलियन था अक्टूबर में 19.18 मिलियन था लेकिन अब दोस्तों यह आंकड़ा 20 मिलियन टच कर गया रक्षा मंत्रालय ने एक 1070 करोड़ रुपए की लागत से इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए 14 फास्ट पेट्रोल वेशल के अधिग्रहण के लिए किस कंपनी के साथ टाइप किया है तो मजगांव बिल्डर के लिए किया है फास्ट पेट्रोल वेसल के लिए सी बिल्डर ने ही दोस्तों आईएनएस विशाखापट्टनम बनाया आईएनएस मोरमुगाव बनाया आईएनएस इनफॉल अभी बना के तैयार किया और आईएनएस सूरत बना रहा है अगले साल तक ये भी यानी ये तब तक पूछा जाएगा जब तक आईएनएस सूरत नहीं उतर जाता तो ये क्वेश्चन आएगा प्रोजेक्ट 15 बी के तहत चार वर्शिप विशाखापट्टनम कैटेगरी के, के पहला विशाखापट्टनम आईएनएस दूसरा मोरमुगाओ तीसरा इमफाल नॉर्थ ईस्ट का पहला शहर के नाम पे और चौथा जो आने वाला है वो आईएनएस सूरत है प्रोजेक्ट 15 बी मझगांव डॉक सी बिल्डर ही तीन सबमरीन भी बनाएगा फ्रांस के लाइसेंस पर फ्रांस से अभी अनुबंध इसका साइन हुआ है ठीक है ओके कोचिन शिपयार्ड ने आइएस विक्रांत बनाया था मजग डॉक्स बिल्डर ने आपका कलवरी क्लास स्कॉर्पिन क्लास सबमरीन भी बनाई थी कलवरी करंज खंडेरी वेला वगीर वक्सीर इसलिए पहली जो शिप होती है वो उसी के नाम से रहता है तो कलवरी क्लास उसको बोलते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार सिक्सटी पैरासूट फील्ड हॉस्पिटल यूपी को मिला है प्रेसिडेंट कलर अवार्ड पुणे के एफ एम सी आर्म्ड फोर्स मेडिकल कॉलेज को मिला है 24 जनवरी को यूपी डे के दिन रितु करिधवाल करिधल श्रीवास्तव जो कि चंद्र इसमें मंगलयान में थी प्रोजेक्ट में उनको सम्मानित किया गया यूपी सरकार द्वारा और नवीन तिवारी जी जिन्होंने दो यूनिकॉर्न बना दिए उनको सम्मानित किया गया बीसीसीआई द्वारा टाइम अचीवमेंट अवार्ड रवि शास्त्री को और पॉली उमरीगर अवार्ड गिल को मिला विंग्स इंडिया प्रोग्राम दोस्तों बेगमपेट एयरपोर्ट हैदराबाद में हुआ है नोट कर लीजिए इसमें जो है बेंगलोर और दिल्ली के एयरपोर्ट को बेस्ट एयरपोर्ट का अवार्ड दिया गया है ठीक है बात समझ में आ रही है ओके दोस्तों आपको बताना है कि इनमें से कौन से पॉइंट सही है पद्म पुरस्कार के बारे में कौन सा पॉइंट गलत है बताना है बताइए 132 पद्म पुरस्कार दिए गए पद्म पुरस्कार में जीरो राशि दी जाती है जीरो रुपए दिए जाते हैं दोस्तों पांच पद्म विभूषण सत्रह पद्म भूषण और 132 पद्म श्री दिए गए 110 सॉरी टोटल एक सौ बत्तीस दिए गए तो दोस्तों मुझे तो सब गलत लग रहा है यहां पे देखो ये सत्रह होना चाहिए यहां पे देखो एक सौ दस होना चाहिए यहां पे वीमेन वाला ये तीस होना चाहिए देखो मैंने कराया था यही क्वेश्चन मैंने कराया था तुम लोग को ये देखो मैंने डेली करंट अफेयर में मैंने पढ़ाया था यही क्वेश्चन पूछा था कितनी महिलाओं को दिया गया ये क्वेश्चन इसी हफ्ते पूछा गया यूनाइटेड इंश्योरेंस में इसीलिए कहता हूं मैं जो लिख के लाता हूं वो तो आता है जो मैं एक्स्ट्रा बताता हूं वो डेफिनेटली आता है जीरो रुपये मिलता है भारत रत्न में पद पुरस्कार में भारत रत्न वाला पूछ लिया था एग्जाम में ठीक है वेंकैया नायडू जो कि भारत के उपराष्ट्रपति थे और भाजपा के अध्यक्ष इनको मिला चिरंजीवी जो एक्टर है इनको मिला पदमा सुब्रमण्यम जी को मिला और ये बे, बेजंती माला जो एक्ट्रेस रही है अपने जमाने की बहुत बेहतरीन इनको मिला इनके अलावा एक लोग को मरणोपरांत मिला जो है बिंदेश्वरी पाठक तो दोस्तों बिंदेश्वरी पाठक को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया मरणोपरांत ये सुलभ कॉम्प्लेक्स जो शौचालय बनते हैं उसके हेड हैं ठीक है जो है हमें तो कई पॉइंट इसमें गलत दिख गए दोस्तों भरत नाट्यम की डांसर है दोस्तों यह भी पूछा जा सकता है भरत नाट्यम तुम मिले भरत तुम मिले भरत का मतलब है तमिलनाडु तमिलनाडु का यह नृत्य है भरत नाट्यम एसएससी में अक्सर ये क्वेश्चन आता है कि भरत नाट्यम किस देवता को समर्पित है हर नृत्य किसी ने किसी देवता को समर्पित है किसी न किसी राज्य का है और वो आपके एग्जाम में पूछ लेता है जैसे अभी क्लासिकल लैंग्वेज आपके करंट अफेयर में फारसी को ऐड किया गया पहला जो क्लासिकल लैंग्वेज वो तमिल ही था क्लासिकल लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश नहीं है दोस्तों इसके अलावा अभिनेता विजय कांत जी को दोस्तों एम फातिमा बीबी के बारे में एग्जाम में आ सकता है भारत के सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त होने वाली फर्स्ट वीमेन जज ये स्टेटिक जीके का क्वेश्चन है ये आज की नहीं है बहुत पहले की है फर्स्ट वीमेन जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट कौन ये अक्सर हम लोग बचपन से जीके पढ़ते आ रहे हैं एम फातिमा बीवी इनको भी अवार्ड दिया गया है इनको भी दोस्तों जो है अवार्ड दिया गया है पश्चिम बंगाल के भारतीय जनता पार्टी के पूर्वध मुखर्जी लद्दाख में डीकुंग कांग्यू परंपरा के आध्यात्मिक नेता तोगदान रिम पहुंचे इनको भी पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है एक विदेशी व्यक्ति को भी किया गया है ताइवान के फॉक्सकॉन कंपनी के हेड यंग लियू को किया गया है दोस्तों देखिए ये मैंने पढ़ाया था एग्जाम में तीस पुरस्कार महिलाओं को दिए गए नॉन रेजिडेंट लोग नौ थे दोस्तों और नौ ही लोग मरणोपरांत यानी मसली भी दिए गए मरने के बाद दिए गए ठीक है बात समझ में आ रही है तो दोस्तों ये है देख सकते हैं आप बिंदेश्वरी पाठक को सामाजिक सोशल वर्क में दिया गया बाकी तीन लोग को आर्ट में दिया गया वेंकैया नायडू जी क्योंकि नेता हैं तो पब्लिक अफेयर में जाएंगे ठीक है इसके बाद दोस्तों पद्म भूषण जो सत्रह लोग को दिया गया इसमें जो है विजय कांत एक्टर हैं उषा उत्थु बहुत अच्छा गाना वाना गाती हैं बहुत भारी आवाज है इनकी राम नाइक जी दोस्तों यूपी के गवर्नर रह चुके हैं मिथुन चक्रवर्ती जी दोस्तों आजकल भाजपा से एफिलिएटेड हो रहे हैं धीरे धीरे इसलिए इनको भी सम्मान दे दिया गया बाकी यंग लियू आप फॉक्सकॉन वाले देख ही रहे हैं फातिमा बीबी देख रहे हैं कामा साहब को देख रहे हैं सीताराम जिंदल हैं सतपत मुखर्जी इनके बारे में अभी आपको मैंने बताया प्यारे लाल श्री प्यारे लाल शर्मा यहां भी हैं प्यारे लाल शर्मा को अभी कौन सा अवार्ड मिला है लक्ष्मीकांत लक्ष्मीकांत कर, करके कोई अवार्ड मिला था इनको माई नेम इज लखन के लिए वन टू का फोर फोर टू का वन मेरा नाम है जखन ठीक है कुंदन व्यास जी को जर्नलिज्म में मिला है ओके इसके बाद दोस्तों पद्मश्री अवार्ड जो 110 लोगों को मिला है उसमें अगर हम लोग कोई फेमस नाम दिखता है तो वो याद कर लो जैसे रोहन बोपन्ना ये बताओ टेनिस के खिलाड़ी हैं बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं स्क्वेस के खिलाड़ी हैं या ड्रेसेस के खिलाड़ी हैं बताइए रोहन बोपन्ना कौन सा गेम खेलते हैं खोजिए है इसमें से फेमस व्यक्ति कौन है जोसन चिनप्पा ये कौन सा खेल खेलते हैं 26 लोग को अर्जुन अवार्ड मिला मैंने बोला था सबका स्पोर्ट्स पढ़ के जाना पूछ लिया ना कौन से सिंह थे डी सिंह करके थे कोई वो ड्रेसेस यानी घुड़सवारी के थे वो एग्जाम में आ गया था कि नहीं आ गया था बताओ ओके श्री ग़ुलाम नबी डार को भी मिला है भैया तो दो जो स्पोर्ट्स वाले थे वो हम लोग ने खोज निकाले तीसरे की स्पोर्ट्स वाले हैं सतेंद्र सिंह लोहिया पूर्णिमा महतो खैर ये लोग बहुत हम लोग तो नहीं जानते हैं लेकिन वो दोनों तो नाम याद रखिए कौन कौन से नाम बताए रोहन बोपन्ना और जोसन चिनप्पा अभी अभी कोई खरब कोई खरब करके एक लड़का स्पोर्ट्स में जीता है बताओ किस गेम में अभी खरब ने जीता है दिव्य कीर्ति सिंह एक्वेस्टेरियन अर्जुन अवार्ड ये हाँ शीतल देवी आर्चरी बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों किरण नादर को यहां अवॉर्ड मिला किरण नादर जी शिव नादर की वाइफ है एच कंपनी वाले शिवनादर जो सबसे बड़े फिलमथ्रोपिस्ट हैं इनकी बेटी है रोशनी नादर मल्होत्रा जो भारत की साठवीं सबसे पावरफुल दुनिया की साठवीं सबसे पावरफुल वीमेन है और बत्तीसवीं निर्मला सीतारामन है सत्तरवीं सोमा मंडल है छिहत्तरवीं किरण मजूमदार शाह है बायोकॉन वाली किरण नादर को अभी फ्रांस ने भी सम्मान दिया था दोस्तों फ्रांस ने भी सम्मान दिया था देखिए कहां कहां से मैं आप लोग के लिए न्यूज बना रहा हूं कहां, कहां से न्यूज निकाल के लाऊंगा दोस्तों जब जापान ने पांचवा देश बना जब चंद्रमा पर सफल लैंडिंग कराया स्लिम मिशन से जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी ने कहा कि 19 जनवरी को हम सफलतापूर्वक पहुँच गए तो इसका जो है पिन पॉइंट लैंडिंग का जो पूरा क्रेडिट है ये चंद्रयान को जाता है चंद्रयान ने इसमें बहुत मदद की है ठीक है बात समझ में आ रही है दोस्तों गुरुमंत्र बैच में हम लोगों ने सिक्स डे का क्रैश कोर्स भी लॉन्च किया लाइव चैट में आपको उसका वो भी मिल जाएगा लिंक भी मिल जाएगा ऐप पर भी देख सकते हो वेबसाइट पर भी देख सकते हो डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है ऑफलाइन कमेंट में भी डलवा दूंगा ओके दोस्तों जेट इंजन डील जो फ्रांस से हो रही है ये इंपॉर्टेंट है अभी दोस्तों टाटा ने जो है एयरबस के साथ टाइप किया है हेलीकॉप्टर की फैक्ट्री लगाने के लिए उस हेलीकॉप्टर का नाम क्या है सी टू नाइन फाइव वाला मत बताना वो तो टाटा ने जो है एयर उसके साथ किए स्पेन की एयर बस के साथ यहां पे टाटा ने जो है एक हेलीकॉप्टर बनाने का फैसला किया है दोस्तों पहली बार जो है पूरी महिलाओं की तीन सेवा सेनाओं की टुकड़ी भी इस बार देखी गई महिलाओं का यह वर्चस्व था दोस्तों कि मेजर सौम्या शुक्ला ने नेशनल फ्लैग को अनफर्ल किया दोस्तों दो वर्ड होते हैं मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्ट वर्ड पंद्रह अगस्त को ध्वजारोहण होता है और छब्बीस जनवरी को ध्वज फहराया जाता है आप देखोगे पंद्रह अगस्त को झंडा नीचे से ऊपर की ओर जाता है ध्वजारोहण लेकिन छब्बीस जनवरी को झंडा वही रहता है बस उसे खोला जाता है ठीक है बात समझ में आ रही है ओके इस बार दोस्तों बहुत साल के बाद करीब 40 साल के बाद रिपब्लिक डे की जो परेड है वो बग्घी में निकली फ्रांस के जो राष्ट्रपति है रंगीला आदमी है मस्त एकदम इमेन मैक्रम जापान अरे जयपुर में गया रोड शो किया चाय पी रहा है क्यूआर कोड से यूपीआई से पेमेंट कर रहा है मस्त आदमी है वो बोला बग्घी से चलेंगे जबकि यहीं आए थे बराक ओबामा उनकी हालत खराब हो रही थी वो कहेंगे नहीं नहीं हम आपकी कार में नहीं जाएंगे हम अपनी कार में जाएंगे डर लग रहा है तो डरपोक लोग कार में जाते हैं और ऐसे शेरदिल लोग भाई साहब बग्गी में जाते हैं ये बग्गी दोस्तों टॉस में भारत को मिली थी जब भारत और तो पाकिस्तान के बीच में सामान का भी बंटवारा हो रहा था तो हुआ कि वह बग्गी किसको मिलेगा ये वायसराय हाउस में राष्ट्रपति भवन में बग्गी है वायसराय इससे चलते थे तो ये भी टौस हुआ टॉस हुआ टॉस में फिर भारत को मिल गया ये बग्घी एच वन टू फाइव हेलीकॉप्टर है बिल्कुल सही कहा एच वन टू फाइव हेलीकॉप्टर टाटा बना रही टाटा एक ताइवान की कंपनी को खरीद रही है विस्ट्रॉन डब्ल्यू आई एस टी आर ओ एन एप्पल बनाएगी वो एप्पल बनाती है उसको खरीद लेगी तो एप्पल टाटा बनाने लगेगी तो देख सकते हैं महिलाओं की जो है कि गजब का वर्चस्व रहा है ये जो बनाया है इन्होंने मोटरसाइकिल से डेयर डेविल ये भी दोस्तों इस बार महिलाओं ने बनाया है रेली गेयर फिनवेस्ट कंपनी को फ्रॉड के टैग में एसबीआई ने रखा था रेली भाई फ्रॉड जो लोग करते हैं या पैसा नहीं देते हैं उनका एक लिस्ट जारी कर देते हैं फ्रॉड एसबीआई ने इसको फ्रॉड के टैग में डाला था यह हाईकोर्ट चला गया एस एसबीआई ने मेरे साथ गलत किया है मैं तो इसका पैसा भी दे चुका हूँ ऐसे गलत ये मुझे अभी भी फ्रॉड के लिस्ट में रखा हुआ यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर चौतीस साल के गैब्रियाल अटल बने है, फ्रांस के हाँ लेकिन राष्ट्रपति यही है इमेनुअल मैक्रोन में तो एस बी आई टू रेली गेज हैज रिमूव्ड एफ रिकॉर्ड फ्रॉम सेंट्रल फ्रॉड रजिस्ट्री डेटाबेस

इसलिए इसके ऊपर फ्रॉड का टैग अब नहीं लगना चाहिए हटा देना चाहिए ठीक है एसबीआई का प्रॉफिट क्वार्टर वन में कितना था बताओ जरा एस का प्रॉफिट क्वार्टर वन में कितना था कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो 13.05% परसेंट है एस का ओला की जो कृत्रिम है दोस्तों कृत्रिम मतलब आर्टिफिशियल ये भारत की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिकॉर्न है और ये भारत की क्या 2024 की भी पहली यूनिकॉन है एल ने दोस्तों 9.9 परसेंट की हिस्सेदारी एच में ली है दोस्तों अभी एच डी ग्रुप्स ने बैंकों में 9.9 पॉइंट की हिस्सेदारी ली है और इसमें यह बोला है आरबीआई से आरबीआई ने यह बोला इनसे कि एच ग्रुप कि अगर कंबाइंड भी अगर शेयर पांच परसेंट से ऊपर जा रहा है किसी बैंक में तो पहले हमसे अनुमति लोगे तब करोगे ठीक है ऐसे नहीं करोगे तो इसमें जो है कि इंडस इंड बैंक में जैसे कि एच म्यूचुअल फंड ने भी पैसा लगाया है और एच डी पेंशन फंड ने भी पैसा लगाया है। ऐसे ही एच डी एफ सी लाइफ एच डी एफ सी जनरल इंश्योरेंस एच डी एफ सी पेंशन फंड एच डी एफ सी म्यूचुअल फंड और एच डी एफ सी बैंक ये पूरे ग्रुप ने अलग अलग बैंकों में पैसा लगाया आईसीसी बैंक एक्सिस बैंक इंडस इंड बैंक सुरोदय स्मॉल फाइनेंस बैंक यस बैंक बंधन बैंक इन सब में पैसा लगाया किसी भी बैंक में पांच परसेंट से ऊपर का जाता है तो आपको जो है क्या करना होगा पांच परसेंट से ऊपर अगर जा रहा है तो आपको क्या करना होगा बताओ आरबीआई से अप्रूवल लेना होगा सोलह हजार करोड़ का प्रॉफिट था हाँ बिल्कुल सही कहा आपने अभी दोस्तों वाइट पेपर आप लोग जरूर पढ़ के जाइएगा श्वेत पत्र में ये इसका भी जिक्र है कितना एनपीए था दो के पहले क्या परिस्थितियां थी और अब कितनी हो गई है ये सब दोस्तों है उसमें श्वेत पत्र जरूर पढ़ के जाइएगा आपके एग्जाम में आएगा श्वेत पत्र इकोनॉमिक रिव्यू और बजट श्वेत पत्र अभी मैंने पढ़ाया नहीं है मैं पढ़ाऊंगा पढ़ा दूं बस ये बताओ यूरोपियन यूनियन और भारत में दोस्तों सेमीकंडक्टर कंडक्टर को लेकर टाइप हुआ यूरोपियन यूनियन और भारत का जो टाइप हुआ सेमीकंडक्टर को लेके ठीक है ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल का टाइप हुआ है ठीक है यूरोपियन यूनियन की हेड है उर्सूला वरलियन जो दुनिया की सबसे पावरफुल वीमेन है दूसरे नंबर पे यूरोपियन सेंट्रल बैंक फ्रैंकफुर्ट जर्मनी की हेड क्रिस्टना लोगार्डे हैं और तीसरे नंबर पे कमला हैरिस है जो अमेरिका की उपराष्ट्रपति हैं बत्तीसवें पे निर्मला चाची हैं दोस्तों ज्योतिरादित्य सिंधिया ने विंग्स इंडिया का प्रोग्राम बेगमपेट एयरपोर्ट पे किया रंगारंग कार्यक्रम किया उड़ान 5.3 का इनोग्रेशन भी इस मौके पर किया गया थीम थी विंग्स इंडिया का कनेक्टिंग इंडिया टू द वर्ल्ड इन अमृतकाल सेटिंग द स्टेज ऑफ इंडिया सिविल एविएशन एक्ट 2047। दोस्तों उड़ान योजना में छिहत्तर एयरपोर्ट बने हैं टोटल एयरपोर्ट 149 हो गए हैं दो सी पोर्ट है और नाइन हेलीपोर्ट है दो तक दो एयरपोर्ट उड़ान योजना में बनाए जाएंगे अभी दिल्ली और बेंगलोर के एयरपोर्ट को यहां पे अवार्ड भी मिला दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट को और बेंगलोर के कैंपेगुड़ा एयरपोर्ट को सिविल एविएशन का यहीं पर होता है, है हैदराबाद में हैदराबाद में बेगमपेट एयरपोर्ट वैसे हैदराबाद में राजीव गांधी एयरपोर्ट भी है लेकिन ये बेगमपोर्ट एयरपोर्ट में होता है ठीक है ओके दोस्तों अभी जो है कहा जाए तो सिविल एविएशन मिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने कहा 21 एयरपोर्ट बनेंगे यूपी में 21 एयरपोर्ट 10 एयरपोर्ट तो बनी गए बारसी वाल्मीकि एयरपोर्ट अयोध्या दोस्तों इन्होंने कहा कि एक हजार से ज्यादा एरोप्लेन हमने खरीदे हैं करीब 470 सौ बोई वो जो है कि एयर इंडिया ने खरीदे 500 सौ तो इंडिगो ने खरीदे इंडिगो अभी कितने मिलियन पैसेंजर पहुंचा दिया कोई भी अगर बहुत बढ़िया कुछ काम हुआ है एयरपोर्ट के अरे मतलब एरोप्लेन के क्षेत्र में तुम्हें तुक्का मारना है तो तुम इंडिगो टिक करके आओ इंडिगो तुक्का मार के आना ठीक है कुछ भी बेस्ट हुआ है सबसे बड़ी सबसे ज़्यादा ऑर्डर सबसे ज्यादा यात्री कहीं पे कोई पहला उड़ान योजना में अयोध्या से पहली उड़ान कुछ भी हो इंडिगो टिक मार क्या ना विकास सिंह कह रहे मोस्ट जी आई टेक तमिलनाडु में सोलह यूपी में दस यही सब तुम लोग करो अरे सोलह रामसर साइट है तमिलनाडु में दस यूपी में रामसर साइट है पचपन जी टैग हैं करीब तमिलनाडु के हमको लगता है सबसे ज्यादा और तिरपन इरपन यूपी के हैं ऐसे गुंडा बनोगे तुम लोग जी रजिस्ट्री तमिलनाडु में ही है चेन्नई में दस साल के लिए जी टैग वैलिड होता है ऐसे मगर नहीं बन पाओगे तुम लोग ऐसे लकड़ी ही रह जाओगे मगर नहीं बनोगे okay. ऐसे गुंडा बनोगे है? दोस्तों किसी उड़ान योजना में कितनी जो है उड़ान कितने उड़ान उड़, उड़ का भी आया है जो डेटा आया है एक दिन में 18 उत्तराखंड को जीआई टैग मिला टोटल 27 जीआई टैग हो गए 80 रामसर साइट हो गए तीन कर्नाटक में दो तमिलनाडु में भारतीय विमानन थ्री ए का प्रतीक है एक्सेसिबिलिटी अवेलेबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी सोलहवें वित्त आयोग के लिए दोस्तों आर्टिकल 280 के तहत जो है जो है चुनाव हो गया है जो सोलहवा वित्त आयोग है दोस्तों यह 2026 से 31 तक चलेगा अभी ये क्वेश्चन आया था आपके बैंक के एग्जाम में कि केंद्र और राज्य के बीच में रेवेन्यू का डिस्ट्रीब्यूशन कौन करता है तो वो यही करता है अभी इसके हेड है हस, आ, कौन है क्या नाम है उनका आ, क्या नाम है यार अरविंद पनगड़िया अब देखो मेरी बैटरी डिस्चार्ज हो रही है इसीलिए मैं बोल नहीं पा रहा हूं बोलते बोलते भी एकदम डिस्चार्ज हो जाता हूं मैं क्योंकि बैटरी जो है डाउन हो गई है अभी देखो कितना शाम से पढ़ा रहा हूं मैं लगातार मुझे लग रहा है पांच बजे से तो मैं लगातार ही पढ़ा रहा हूं तुम लोग एक खुशखबरी भी है कि बैटरी चेंज करवा दी है मैंने छह में से तीन बैटरी नहीं लगाई जैसे ही दोपहर में लाइट गई गया तुरंत पहले तीन बैटरी खरीद के लाया मैंने कहा लगवाओ इस और जो पंद्रहवा वित्त आयोग है दोस्तों वो अभी तो चल ही रहा है पंद्रहवा वित्त आयोग जो है 2021 से 26 तो एक और छ बस याद रखना है, एक से छ से एक एक से छ से एक, एक से छ से एक हेड है एन के सिंह और इन्होंने बोला है कि राज्यों को 41 परसेंट बंटवारा में दिया जाए इनके पहले वाले जो थे चौदहवा वित्त आयोग उसने बोला था 42 परसेंट दिया जाए तेरहवा वित्त आयोग ने बोला था कि बत्तीस परसेंट राज्यों को दीजिए लेकिन इन्होंने बोला कि नहीं नहीं बयालीस परसेंट मत दीजिए इकतालीस परसेंट दीजिए क्योंकि जम्मू कश्मीर अब राज्य नहीं है तो अब राज्यों की संख्या कम हो गई है यूनियन टेरिटरी की बढ़ गई है तो अब जो है राज्यों को इकतालीस परसेंट मिलना चाहिए यानी केंद्र अगर सौ रुपए ले रहा है इनकम टैक्स का तो उस राज्य को इकतालीस रुपए देगा और बाकी पैसा खुद रखेगा केंद्र जिन भी टैक्स की वसूली कर रहा है तो वो करेगा ठीक है बात समझ में आ रही है ओके okay. ठीक चलो इंडिया और इक्वाडोर के बीच में दोस्तों मेडिकल प्रोडक्ट के लिए एमओयू साइन हुआ भारत और इक्वाडोर के बीच में इंडिया और केन्या के बीच में दोस्तों जो है पॉपुलेशन और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जो है कि टाइप हुए हैं मेडिकल प्रोडक्शन प्रोडक्ट रेगुलेशन के लिए जो है इंडिया डोमिनिकन रिपब्लिक के बीच में भी टाइप हुए हैं डोमिनिकन रिपब्लिक के बीच में भी तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं कल फिर मुलाकात होगी यहाँ पे जहां से छोड़ा है वहां से आगे ठीक है तो आज के लिए इतना ही रखते हैं बाय टेक केयर लव यू ऑल गॉड ब्लेस यू ऑल